नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया स्टॉक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो स्टॉक के बारे में मैं डिटेल्स यहाँ पे बताऊँगा, वो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है और हाल ही में लिस्टिंग हुआ और कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस 1.5 साल के अंदर, आप पूरा डिटेल्स में देख पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा रहेगा वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो देखते हैं उस स्टॉक के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा और स्टॉक का न्यूज़ और चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर मैं दिखाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, आज जो स्टॉक है वो यहाँ पे मैं नाम बता दे रहा हूँ, CDSL स्टॉक का नाम है। तो मैं चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले मैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो डिटेल्स क्या है यहाँ पे देखिए, उसका पहले आप डिटेल्स देखिए। यहाँ पे देखिए टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 9032 करोड़ रुपये का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब मिड कैप कंपनी है। तो इसमें जो पी रेशियो है देख 68.3 और फेस वैल्यू देखिए 10 है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है 10.45 करोड़ क्वांटिटी है। और इस जो स्टॉक है इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशियो देखिए 13.90 है, ठीक है। तो पूरा टोटल नेट प्रॉफिट जो किया है 77.32 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो पूरा जानकारी और भी आपको देना होगा मुझे, तो देखते जाइए। तो देखिए यहाँ पे जो उसका क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब क्वार्टर रिजल्ट भी देखना चाहिए, टोटल क्वार्टर रिजल्ट देखिए यहाँ पे जो पिछला क्वार्टर था दिसंबर 2020 का 86 करोड़ का सेल्स हुआ था और इस मार्च में 103 करोड़ का सेल्स हुआ है। एक्सपेंस भी देखिए कितना कम, मतलब जो कंपनी सेल्स ज़्यादा कर रहा है, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा जेनरेट कर रहा है और उसका एक्सपेंस कम हो रहा है, तो मान लीजिए उस कंपनी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका खर्चा कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उसका प्रॉफिट सॉरी सेल्स ज़्यादा है तो प्रॉफिट उसका ज़्यादा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे देख ही सकते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में, आफ्टर टैक्सेस देखिए, आफ्टर टैक्सेस में देखा तो 54 था, अभी 52 हुआ, तो थोड़ा सा कम हुआ, कुछ बात नहीं, क्वार्टरली तो चेंजिंग होते रहते हैं, तो ईयरली में दिखाऊंगा आपको कैसे चेंज हुआ है। तो आप पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हैं और आप ईयरली बेसिस देख लीजिए 300 करोड़ का मतलब सेल्स हुआ है और पिछले क्वार्टर साल में 225 का सेल्स हुआ है। तो प्रॉफिट देखिए 106 था आफ्टर टैक्सेस का, बाद में मतलब टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है और 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस साल में 2021 में। और यहाँ पे देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है, मतलब ईयरली बेसिस, और कंपाउंड प्रॉफिट भी कितना अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे बैलेंस शीट भी थोड़ा देख लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए रिजर्व कितना है, 773 करोड़ का रिजर्व है, पिछले साल से ज़्यादा हुआ है, तो ईयरली बेसिस चेंज हो रहा है तो आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बोरिंग, मतलब सबसे जो अच्छा बात आपको देखना चाहिए हर कंपनी में वो है उसका कंपनी में कुछ बोरिंग, मतलब फंडिंग गिरवी रखकर और लोन कितना लिया है वो आपको देखना है। यहाँ पे देखिए बोरिंग का मतलब लोन कितना लिया है, तो यहाँ पे देखिए जीरो, मतलब जीरो बोरिंग, मतलब कोई भी लोन नहीं लेकर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, वो फ्री टोटली फ्री ऑफ मतलब खुद का फंड में काम कर रहा है, कुछ भी बाहर से लोन नहीं लिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। और यहाँ पे देख और कुछ यहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख कैश फ्लो भी देख सकते हैं कितना कैश फ्लो बढ़ रहा है, 82 था अभी 193 करोड़ का, मतलब डबल हो गया। और रेशियो भी आप देख सकते हैं, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखाता था, देखिए एक मिनट देखिए, यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके पास कितना इस कंपनी का माल है वो आप देख सकते हैं, प्रोमोटर के पास कितना है वो यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के पास पूरा चार्ट में यहाँ पे दिया गया है, प्रोमोटर के पास 20%, म्यूचुअल फंड के पास 6.69%, FIIs के पास 8.02, पब्लिक के पास ज़्यादा है 38%, ठीक है, और अदर्स इन्वेस्टर के लिए भी 27.3 है। तो कुल मिलाकर देखा गया पब्लिक के पास ज़्यादा है, तो
एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि पब्लिक के पास ज़्यादा रहेंगे, पब्लिक देखिए पब्लिक खरीदेंगे निकल जाएंगे। प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग रहते तो अच्छा होता, क्योंकि प्रोमोटर जो है वो कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, तो उसका वो शायद निकल जाए तो तब तकलीफें हो गई। तो फिर भी देखा जाए कि प्रोमोटर के पास भी 20% शेयर है, फिर भी अच्छा है। चलो, और कितना यहाँ पे देखिए कितना होल्डिंग किया है, कितना प्लेज किया है, वो यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं। देखिए प्लेजिंग में कुछ पिंक कलर के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 2020 में कुछ भी प्लेजिंग नहीं है, कुछ भी होल्डिंग नहीं है, मतलब कुछ भी होल्ड कर कर कंपनी ने माल उठाया है, कंपनी के लिए फंड कलेक्ट किया है। इस बात में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे चार्ट पैटर्न में क्लियरली आपको दिखा दिया है। तो ना के बराबर होल्डिंग है और ना के बराबर प्लेज है, ठीक है। और कुछ भी लॉक, मतलब फंड किसी जगह पे लॉक कर कर पैसा उठाया है, वो भी नहीं है। और भी कुछ एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखिए म्यूचुअल फंड होल्डिंग, मतलब म्यूचुअल फंड कितना होल्ड कर रहा है कंपनी में। देखिए चार्ट पैटर्न शानदार बन रहा है, थोड़ा सा डाउन हुआ है, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम कर रहा है, फिर भी देखिए FIIs कितना माल उठा रहा है, देखिए कितना शानदार माल उठा है, 8.02% का माल उठा है, ठीक है। कितना शानदार, पिछले पिछले सालों से कितना शानदार माल उठाया है। तो चार्ट पैटर्न से ही आपको पता चल जाता है कितना शानदार परफॉर्मेंस की रहा है, मतलब किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ी बात अभी देख लीजिए, आज ही का दिन मतलब 5 जुलाई, यहाँ पे देखिए आज ही का दिन ये 52 हाई अचीव किया है, 1064। तो आज ही का दिन ये 52 हाई भी अचीव किया है, और 52 लो कौन सा दिन में था वो एक बार देख लीजिए, 2 जुलाई 2020 में 237.73, कितना नीचे से ऊपर आया है, कितना फंड रिटर्न हुआ है आप देख ही सकते हैं, मतलब कितना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। और कंटिन्यू भी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखेंगे, क्योंकि कंपनी के पास कुछ होल्डिंग नहीं है, कुछ भी गिर भी नहीं है, कुछ भी बोरिंग नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो और भी देख लीजिए कितना डिलीवरी यहाँ पे आज आज 48%, मतलब 50 करीबन 50% के करीब होल्डिंग उठा रहे हैं माल। तो कितना सारे माल डेली बेसिस क्वांटिटी डिलीवर में जा रहा है, तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाइए, कंपनी इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी देखिए डिविडेंड दे चुका है 4.50, मतलब 4.50 रुपया का डिविडेंड दे चुका है 7 सितंबर 2020 में। तो 2020 में डिविडेंड दिया था, और 19 में भी डिविडेंड दिया था सेप्टेम्बर, मतलब इस कंपनी अगस्त और सेप्टेम्बर के महीने में ही डिविडेंड देता है, ठीक है। हर साल भी देखिए वही टाइम पर डिविडेंड है, साल में एक बार ही डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड भी अच्छा देता है। यहाँ पे आप देख सकते थे 3.5 रुपया, 4 रुपया, 4.50 रुपया, तो कितना अच्छा डिविडेंड भी दे रहा है कंपनी। और प्रोमोटर के पास कितना प्लेज, यहाँ पर देखिए प्रोमोटर बस 20% में पहले देखा चुका हूँ आपको, और कुछ भी गिरवी नहीं रखा है कंपनी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी शानदार है। और उस आप मुझे आप मैं आपको उसका चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कितना शानदार परफॉर्मेंस किया गया है। देखिए कंपनी कितना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में तो दिखाई नहीं दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा होगा ये कंपनी, आपको मैं एक मंथ का चार्ट पैटर्न दे, मतलब 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखा, देखिए आप देख ही सकते हैं। पहले जो लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग का जो डेट था वो देखिए 17 में, ठीक है। तो हाल ही में मैं यही बता था, कुछ ही सालों में लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग होने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद डाउन हुआ, और कोरोना के सिचुएशन में सबसे लो में डाउन हुआ था, मतलब जब जब फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 2020 में मार्च में, तो तभी इसका लो था 179, और उसके बाद ये कंपनी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, अब ट्रेंड में ही है। अभी देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप देख ही सकते हैं कितना रिटर्न भी दे चुका है, वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। मैक्सिमम रिटर्न दे चुका है, मैक्सिमम में चार्ट पैटर्न ऊपर 298% का रिटर्न, मतलब कुल मिलाकर देखा गया 300 का रिटर्न भी दे चुका है। तो मैं यही कहूँगा स्टॉक बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, आप इसमें स्टडी करिए, ब्लाइंड ब्लाइंडली मुझे फॉलो मत करिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब ये आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, ये बात नहीं है, आपको स्टॉक का जानकारी दे रहा हूँ, आप इसमें खरीद, देखिए मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप खरीद लिए, आप पहले आपको स्टडी करिए, उसका स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल्स चेक करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो मैं हर बार यही कहता हूँ, चार्ट पैटर्न जिसका इतना शानदार है, तो स्टॉक और जिसका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, और जो डेट फ्री कंपनी है, मैं इसी तरीके से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो बाकी आपके ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं आप किस में इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आई होप स्टॉक के पूरा डिटेल्स आपके सामने डिस्कस किया हूँ मैंने, आपको
समझ भी आ गया, तो इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसको स्टॉक के बारे में डिटेल्स में नहीं जानकारी है। तो मिलते हैं इस तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अब अच्छे से रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक में, थैंक यू।